उत्तर प्रदेश में इन दिनों महिलाओं के पहनावे को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कहीं महिलाओं के हिजाब खींचे गए तो कहीं छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाई गई। बीते 10 दिनों में महिलाओं के पहनावे को लेकर उनके साथ अभद्रता के 9 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन भारत में ये पहली बार नहीं है। इससे पहले एक समय था जब महिलाओं से ब्रेस्ट टैक्स तक वसूला गया। तो आज स्टोरी में जानेंगे ब्रेस्ट टैक्स वसूलने से लेकर मंदिर में स्कर्ट के बैन होने तक के उन सभी विवादों को जो महिलाओं के पहनावे से जुड़े हैं। पहनावे को लेकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला 1729 में त्रावणकोर साम्राज्य में सामने आया, जिसमें नीची जाति की महिलाओं के लिए शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई। इस टैक्स को दलित ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर लगाया गया। छोटे ब्रेस्ट पर कम और बड़े पर ज्यादा टैक्स वसूला जाता था। कर्नाटक में कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनने का विरोध हुआ। राज्य के कई जिलों में हिंसक झड़पें भी हुईं। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में है। इसके अलावा साल 2021 में उत्तराखंड के सीएम रहे तीरथ सिंह रावत ने रिप जींस को लेकर महिलाओं पर विवादित बयान दिया था, जिससे देश भर की सियासत गर्मा गई थी। अब मुजफ्फरनगर के बालाजी मंदिर और मथुरा के राधा दामोदर मंदिर के बाहर मर्यादित कपड़े पहनकर आने का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों के जीन्स, स्कर्ट, टॉप और कटे फटे कपड़े पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। अब मंदिर प्रशासन के इन पोस्टर्स के बाद महिलाओं के पहनावे को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप।